नहीं से अरे बाप रे किन लोग है देखो मेरे बाप रे बाप तभी ऐसा ना हो राहुल जी कि इसको हम समस्त मिथिलांचलवासी के बहुत बहुत गौर लागे छी और स्वागत कर रहल छी अहाँ सबके अपन चैनल अपन पेज मैथिल ब्लॉग्स पर। तो बहुत लंबा समय के बाद जे छै आइ फेर से जे छै एकटा ब्लॉग आबै वाला है और आइयो के ब्लॉग बहुत ही खूब बढ़िया मजेदार ब्लॉग है। आइ गाम में अपन सबके जे राम जानकी मंदिर छै ऊपर एकटा सांप लिए खूब बड़का सांप छै अखने जे छै हमरा हमर दोस्त सब जे छै फोन केने रहै जाय छै मुक्ते के जे छै ब्लॉग बनाबऽ अहाँ सब देखू खूब मजेदार आइ के ब्लॉग हुए वाला है। रौद तऽ देखे रहल छी केहन रौद छै प्रचंड रौद छै आबि रहल है पकड़े वाला कखन बाप मंदिर पर आबि गेलै या हम तो जाय छलौं हां ड्यूटी टावर पर पहुंचा वाला छलौं तो फोन गेल वापस एलौं हां ओय के बाद देखलियै या तो सांप बहुत भयंकर छै नाग दिन आ मंदिर जाय फोन गेलौं आ फोन केलौं हां सांप पकड़े वाला के फॉरेस्ट विभाग वाला के आबि रहल है ना देर में आबि रहल है जे घड़ी नहीं पहुंचल है वहां सबके दिखावे छी बनियो जता छै हमरा साथे अपन सबके गाम के पंडित जी बस खिलास बार पड़ते अरे तोरी देखियो भैया तो सहा सके देखलिया है सब गोटा देख लियो यानी हम पास चल जाए छी देखियो अत से देखा था काला काला नाग देवता देखियो नाग देवता के केना घुसल छथिन के तौर में अब इनका पकड़ा वाला एते तहने निकलथिन एमे से देख ले लिया सब ई जे अहाँ के निकलल है अपन सबके राम जानकी मंदिरे पर अहाँ के अखन टूट रहल है नया पूरा बन रहल छे मंदिरो प्रभु के जे मंदिर छन जय श्री राम अहाँ के अत अखन प्रभु जे छथिन अहाँ के पहले तो अमे छलखिन हँ तखन ई सब पूरा मंदिर जे अहाँ के टूटते नया बनते नहीं मानी छा नया पूरा बनते एहिठाम अखन प्रभु के छै नहायल गेल छन जय प्रभु आब जहन फेर जहन मंदिर बनि जाए फेर तही में रहथिन पूरा बनि जायत देख रहल है पूरा टूट रहल छै कनाही में से टूटले है ना तही में से जे अहाँ के निकलल है देखे छी पूरा टूट रहल छै तही में से निकललखिन हँ नाव देवता नागिनो छथिन एकटा नागिन नागिनो छथिन ठीक कहलत दूटा छै एगो नाग छै एगो नागिन छै नागिन तऽ निकलि गेलथि नागिन बचल छै कमतौले अभी पार किए हैं हाँ भाई साहब हमारा नेपाल साइड में रहे आइए 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 यो जल्दी आवो ले सांप के पकड़ा वाला रेस्क्यू करे वाला भैया यहाँ आबि गेल छथि तो सामान सब लऽ के सबटा सांप के अंदर वाला रेस्क्यू हैत पकड़ेता। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद है दरभंगा जिला के चतरिया गांव में और इसी गांव में जो है एक मंदिर है मंदिर के अंदर कुछ काम हो रहा था उसी दौरान जो है मजदूर को सांप दिख गया वो भी कोबरा भारत का सबसे जहरीला सांप। जैसे ही इनको कोबरा दिखा वैसे ही बचाने के लिए संपर्क किए उनसे और हम यहाँ आ चुके हैं। अब देखते हैं कौन सा सांप उसको निकाल करके आपके सामने रूबरू करते हैं। वीडियो में बने रहिए। रोमन में नहीं है रोमन में ना हाथ से लड़ दिया लेकिन ये ऐसा हुआ है कोशिश कर रहा है निकल ये तो दब गया है दब हुआ कम दब गया ये बहुत तगड़ा दबा हुआ ना ना निकल जाएगा हल्का सा ईटा फसल है थोड़ा यहाँ से ईंट निकालिए तो आइए तो निकालिए ईटा के तौर में घुसल छे देखे छी यहाँ सब जब नहीं देखने के गजुआ तो उससे खोद रही छे अयो देखे तब ये हमको डर हो गया सही सही और खनी ओकरा की सिखा रहल छी ओहे काम है नील है चूहा खाए हुआ ना अरे बाप रे देखियो देखियो सांप अहाँ सब देखियो देखलिए सब गोटा कत्ते बड़का सांप छलै एक्टर
दोस्तों आप देख सकते हैं इसी को इंडियन रेड स्नेक और इसको घोड़ा पछार भी बोलते हैं क्योंकि घोड़े से भी ज्यादा तेज दौड़ने का क्षमता इसके अंदर होता है। क्या है कि सांप को बहुत से लोग पहचानते हैं, करीब में जाते हैं और काम हो जाता है। ये बिल्कुल नॉन वेन में से, ये जरा सा भी जहरीला नहीं है। इसको जो है धामन सांप बोलते हैं और ये खाया हुआ है, ये अभी निकालेगा, देखिएगा, वीडियो में बने रहिए। दोस्तों आप मंदिर है, मंदिर में देख सकते हैं काम हो रहा है, काम के दौरान जो है सांप का वीडियो पढ़ो दिख गया, नहीं तो ये इसी के अंदर दब के मर जाता है। यहाँ के लोगों को दोस्तों सैल्यूट करते हैं क्योंकि बेजवानों के प्रति जो मोहब्बत है उसको जो है बखूबी निभाते हैं। रेड कोबरा है ना? नहीं 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 कटता है, है आगू नहीं जोने रे। दोस्तों ये सांप के बारे में अंधविश्वास फैला हुआ है कि अगर पूछ इसका शरीर में आपके कहीं पे भी लग जाता है तो आपका शरीर सूखने लगता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इसके पूछ पे कांटा नहीं होता है। हम आपको लाइव मरवा के दिखाएंगे अपने हाथ पे, देखिए। इसके कांटा नहीं होता है, नहीं इसके शरीर में कुछ होता है, और ये काट भी लेता है तो आप घर बैठे सुरक्षित हैं, मतलब सेफ है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सांप काटने के बाद आपको किसी भी मेडिकल की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, भयभीत से, डर के कारण, हार्ट अटैक से, ये सांप के भी काटने से लोगों की जान चली जाती है। सांस कितना लंबा, अरे बाप रे, खाली एक बार बांध लीजिए था खाली माथा में। हरासमेंट नहीं करना चाहिए सांप को, गलत बात है, बांधने उड़ना नहीं, गर्दन में लटका सकते हैं। क्योंकि ये साल का कितना हजारों हजार चूहा खा जाता है, जब हम खेती कर पाते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे खेती। तो इसलिए जो है सांप बचाइए और किसान को भी बचाइए, अपना पर्यावरण भी बचाइए। अच्छा 200 रुपए इधर देता, हमार घर का नहीं एकरा देखा दिया। अच्छा ये बताइए, अगर ये आप लोग गोहमन सांप समझ रहे थे, इसको नाग सांप समझ रहे थे, अगर ये सांप काट लेता मजदूर को और ये सांप भाग जाता तो आप लोग क्या करते फिर उस दौरान? यही बोलते हैं और पेशेंट का जो है ब्लड प्रेशर देखिए निकाल रहा है। उनको बुलाइए, वीडियो जो बना रहे थे। भैया भैया बना रहा हूँ, निकाल रहा है। देखो घड़ी निकलवाइए ना, चूहा निकाल रहा है। देखो चूहा निकल रहा है, चूहा के मतलब खेने से नाग देव देखियो, देख लिया है यहाँ खोल दिया फिर। अरे बाप रे, मैं गए देखिए चूहा भोजन यही है चूहा मैडम। अरे हट जो हट जो हट जो, अरे भाई रे भाई, अरे भाई रे भाई, वो पकड़िए ना, वो हिमाटबे नहीं करते। हाँ छोटका डिब्बा नहीं मरेगा, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, ऐसे ही बेजुबान जीव की जान बचाते हुए। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर करना मत भूल। फाइनली जो छथिन नाग देवता पकड़ा गया था, डिब्बा में पैक्ड छै, बहुत जहरीला सांप छै, पकड़ा वाला आयल छथिन, पकड़ के लोग जा रहल छथिन, देखियौ केना बिन बिन कर रहल छै। डिब्बा में किछु कट सकै नै छै, तखन पैक्ड छै। खोल दिए? नहीं 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 खोल नहीं दियौ, खोल दो तऽ कांडे भऽ जेतै।
ठीक छै तऽ अभी ब्लॉग में छलै एतबा छलै और केहन लागल अहाँ सबके कमेंट में जरूर जरूर बताएब। और ई जे छथिन साँप पकड़ वाला स्नैक सेवर जे छथिन इनकर जे छै हेतै तऽ हम अहाँके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकर हेतै तऽ अहाँके नंबर हम दऽ देब। मानि लियौ किनको जरूरत पड़तै कहियो बाय चांस एहन साँप ताँप पकड़ वाला अहाँके जरूरत पड़त कहियो तऽ अहाँ कॉन्टैक्ट कऽ सकै छियै हुनकासँ। तिनकर नंबर हम दऽ देब अहाँके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लेब सेव कऽ लेब बाय चांस के जरूरत पड़ि जाएत। मिलै छी नया ब्लॉग के साथ नया कंटेंट के साथ, तब तक जय मिथिला जय मैथिली।